नमस्कार, यस डाटा न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। कोरोना का दौर आता है और कोरोना के दौर के चलते तमाम शादी ब्याह और तमाम फंक्शन, तमाम सामाजिक कार्यक्रम रुक जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। धीरे धीरे करके वो पटरी पर तो जरूर आते हैं, शादी ब्याह जरूर शुरू होता है, लेकिन अभी भी ये संख्या बेहद कम है। जाहिर है शादी का मतलब केवल एक परिवार और दो परिवारों का मिलन नहीं होता है, बल्कि उससे जुड़े हुए भी तमाम लोग होते हैं जो रोजगार करते हैं। जाहिर है शादी में दहेज दिया जाता है, लिया जाता है, और उसकी जब हम बात करते हैं तो तमाम चीज़ें हमारे जहन में आ जाती हैं, तमाम चीज़ें शादी ब्याह में दी जाती हैं। और उसी सिलसिले में हम सराय का खाले मार्केट में मौजूद है, जहाँ टीन का बड़ा कारोबार होता है और ये तमाम जगह से दहेज के रूप में चीज़ें जाती हैं। मैं उसी सिलसिले में एक मार्केट में मौजूद, सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूँ, ये टीन का मार्केट है, टीन की दुकान है, बक्से हैं और ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। ये जो मशीन होती है, हाथ से चलाई जाती है, उसके लिए ये बड़े छोटे बक्से तमाम तरह के हैं। बड़ी मेहनत से काम है, मशक्कत से काम है, इस तरह का काम करना है। ये काम जो है बहुत अच्छा हो गया है, लॉकडाउन की वजह से बहुत परेशानी हो रही है, कारोबार के अंदर बहुत दिक्कतें आ रही हैं। ये काम पूरी तरह से जो हमारे यहाँ शादी ब्याह हो रही है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि वो उसका बड़ी कमी आई है, उसका असर पड़ रहा है, बहुत हल्का काम चल रहा है। ये शादी ब्याह में जो सामान जाता था अब वो नहीं जा रहा है, बहुत दिक्कतें आ रही हैं। कोई बेहतरी नहीं आई है, सिवाय नुकसान के कुछ नहीं है। आप पूरा मार्केट घूमिए, कहीं भी कोई ग्राहक नहीं मिलेगा आपको, बिल्कुल मतलब बिल्कुल काम डाउन है। कोरोना वायरस से समझ लो कारोबार खत्म हो गया सर। ग्राहक बिल्कुल दूर तक नजर नहीं आ रहे, पूरी मार्केट मैंने देखी। और क्या इसकी मेन वजह यही है कि लोगों के पास पैसा नहीं है, वो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें खा लो। जब आगे के लिए लोगों के पास कारोबार नहीं है तो हमसे क्या खरीदेंगे? जब दूसरों के पास पैसा होगा तभी तो हम सब खरीदेंगे। आप थोड़ा सा बताइए, पूरी तरह से शादी वगैरह जो होती हैं तमाम धर्मों में होती है, मजहब में होती है, उस पर ही डिपेंड करता है, लेकिन चूंकि वो हो ही नहीं है इस बार। शादी होनी है, परमिशन ही नहीं है। परमिशन है तो 30-40 लोगों की परमिशन मिल रही है, और उसमें भी इंसान सामान दे नहीं रहा, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है जो सामान दे। पैसा हो तभी तो सामान दे, और पैसा होगा तभी तो ये खरीदारी करेंगे तभी हमारा काम धाम चलेगा। जी, बहरहाल कहीं ना कहीं लोगों में एक, क्योंकि इन्होंने बहुत एक बड़ी बात कही कि इस टाइम जो है लोगों में एक डर का माहौल है। जाहिर है वो मार्केट में आने से भी कतरा रहे हैं, और पैसे ना होने की वजह से कहीं ना कहीं खरीद नहीं पा रहे। हमारे साथ एक बुजुर्ग इंसान जो सालों से इससे जुड़े हुए हैं, इससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि कितने सालों के से काम करते हैं और आज की तारीख में कितना असर नज़र आ रहा है। 30-35 साल हो गए जी, ऐसा मतलब कभी नहीं देखा। इस दौर के अंदर उसका कोरोना फैला है, जो मतलब देखने को मिल गया, काम तो देखने को ही नहीं मिल गया। जो काम करने वाले हैं उन्हीं के पैसे नहीं निकल पा रहे हैं। अभी दुकान बंद ही कर दी, कितने दिन बंद रही, बाद में खोली, थोड़ा बहुत शादी का चला मामला, थोड़ा बहुत काम आना शुरू हुए तो थोड़ा बहुत काम करना शुरू किया हमने। अब तो महीने 4-5 मतलब काम होता है, 3-4 दिन काम होता है, काम के अंदर हल्का काम हो चुका है तो लोग परेशान हुए हैं। अच्छा, ये बताइए पहले के मुकाबले, पहले आप उस पर दिन के हिसाब से जितना कमाते थे, आज में कितना फ़र्क आ गया? अरे बहुत फर्क आ गया, जैसे 100-25%। अब तो बिल्कुल मामला ऐसा है कि बस रोटी और मोटी के पैसे नहीं आ पा रहे। पहले तो अल्लाह का शुक्र था, सुख में थे और आराम से काम चल दिया था, लोग कर रहे थे, कारीगर भी खुश थे और मालिक भी खुश थे और लोग करने वाले सब खुश थे। अब तो सबके चेहरे उतर हुए हैं, ऐसा कोरोना आया सबको उन्होंने कोरोना कर दिया जी, और कारोबार ऐसी मंडी पिट गई है, देखने को वाक नहीं मिलता। इंतजार करते हैं, ऐसा इंतजार करते हैं कि कोई ग्राहक आ जाए, सर वाले जाते हैं, अभी बक्सर लो, नहीं बक्सर लेने नहीं आए, वरना तो बगैर पहले तो बगैर बुलाए आते थे, अब तो बुलाना पड़ रहा है। बारह तमाम चीज़ें, तमाम मुश्किलें हैं, लेकिन मुश्किल से ही आगे बढ़ के जो इंसान निकल जाता है वो एक कामयाबी की बुलंदी हासिल करता है। बहरहाल तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरदार हुसैन के साथ जज़्बा करूँगा।